जूम करा एक बार और मुझे ओके गुड मॉर्निंग क्लास गुड मॉर्निंग सभी के सभी जल्दी से कमेंट्स पे आइए ओके ठीक है ये एक स्क्रीन चलिए वॉइस क्लियर है मेरी किसी कोई प्रॉब्लम वॉइस के अंदर चलिए क्लास ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पवन राकेश अमित विकास कमल धी, धीमराज गौरव राजेंद्र ओके okay, विकास जी नीरज हितेश गुड मॉर्निंग क्लास गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग फिनिश किया था एंड 25 क्वेश्चंस भी हमने उसके किए थे ओके डिस्कस किए थे कल की क्लास के अंदर एंड ओवरसाइड मॉडल भी हमने फिनिश कर दिया था ओके, okay? तो इस इस हफ्ते की वीक की हमारी आज लास्ट क्लास है ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास मंडे से स्टार्ट होगी एज यूज़ल यू नो वेरी वेल तो आज एक क्लास के अंदर हम एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जो आज के आज ही हम खत्म कर देंगे ओके okay? चलिए जल्दी से तब तक सभी कमेंट्स पे आइए फास्ट दिल्ली पुलिस का मैं अपने ग्रुप पर डाल दूंगा ठीक है अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला मैं आपको क्या कि नहीं करना है, इस क्लास की जो क्लास नोट मेरे हैंड रिटन वो मैं आपको अपने ग्रुप पर डाल दूंगा ओके okay? तो वहां से आपको मिल जाएंगे तो सिर्फ आज की क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है ओके okay, कोई भी पैरेंट पेपर आप यहां पर यूज करने वाले नहीं हैं ओके चलिए ओके चलिए क्लास हेलो सर एक क्वेश्चन है ओके अमित जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका जल्दी से राजकुमार जी गुड मॉर्निंग शिव गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बिल्कुल अमित जी बढ़िया आप बताइए कैसे हो अपना क्वेश्चन बताइए जल्दी से चलिए तब तक चैप्टर का नाम डालेंगे आप क्या इंटरनेट सिक्योरिटी इंटरनेट सिक्योरिटी ओके इंटरनेट सिक्योरिटी देखिए इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर मैंने आपको काफी चीजें ऑलरेडी पहले बता रखी हैं बाकी क्लासेस के अंदर स्पैम क्या होता है ठीक है अच्छा इंक्रिप्शन क्या होता है डिक्रिप्शन क्या होता है क्रिप्टोग्राफी क्या होती है ठीक है ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है पहले से ठीक है ओके जो मेन पॉइंट आता है आज की क्लास में इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर दैट इज नॉन एज दैट इज नॉन एज एक ऐसा प्रोग्राम होता है क्लास जो किसी भी कंप्यूटर में किसी भी कंप्यूटर में उपयोगकर्ता की इच्छा के विरुद्ध आकर ठीक है और उसकी फाइलों को करप्ट कर देता है सिस्टम को स्लो कर देता है या यूजर को काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो कौन होता है हमारा वायरस और क्या होता है क्लास वायरस एक एक प्रोग्राम होता है ठीक है तो वायरस क्या होता है एक इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम प्रोग्राम विच विच डैमेज जो खराब करता है विच डैमेज Other programs and software and software in the system, in the system, okay. तो यानी कि जो आपका वायरस होता हो, तो 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 है वो क्या होता होता है है क्लास सेट ऑफ प्रोग्राम्स या सिंपल प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स तो होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको क्या करता है डैमेज कर देता है या उनको क्या कर देता है क्लास करप्ट तो कर देता है क्या कर देता है उन्हें करप्ट कर देता है ओके चलिए सर मॉडर्म वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था मॉडर्म वाले क्वेश्चन का एक बार मुझे क्वेश्चन बता दीजिए आप ठीक है अमीर जी एक बार क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए कल के क्वेश्चन में मॉडर्म का आंसर अच्छा मॉडर्म वाले में तो क्वेश्चन मुझे एक बार आप भेज दीजिए या फिर क्वेश्चन नंबर मुझे बता दीजिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ठीक है ओके सरोज जी गुड मॉर्निंग सर जी मेरे व्हाट्सएप पर पीडीएफ डाल देना कंप्यूटर की मीना कमल जी व्हाट्सएप पर पॉसिबल नहीं है मैंने आपको पहले भी कहा था कि टेलीग्राम चैनल है मेरा क्या कंप्यूटर विद सुनील सर ठीक है ये हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल है ठीक है यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ओके चलिए ओके क्लास क्वेश्चन नंबर एट आई थिंक ठीक है मैं एक बार मैं देख लेता हूं ठीक है क्वेश्चन नंबर एट में क्या आंसर था क्वेश्चन था क्या एक बार फर्स्टली लेट मी चेक चलिए ओके okay. ठीक है क्वेश्चन नंबर एट जस्ट वेट ओके ओके मॉडम का पूरा नाम देखिए मॉडम का पूरा नाम क्या है तो क्लास मॉडर्म का पूरा नाम होता है मॉडुलेशन डी ठीक है अच्छा मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर क्या होता है ये तो प्रोसेस होता है प्रक्रिया होती है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलने की तो वो होता है आपका मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर क्लियर लेकिन इस पूरे प्रोसेस को बोलते क्या है हम या फुल फॉर्म क्या होती है मॉडर्म की तो मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन होती है कहीं कहीं पर मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर भी कर रखा होगा लेकिन राइट आंसर क्या होगा मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन ओके ठीक है अमित जी चलिए ओके आई होप इतना क्लियर है आप सभी को हेमराज जी ग्रुप का नाम लिख दिया मैंने ना कंप्यूटर बेस्ड सुनील सर चलिए तो वायरस की बात होती है यहां पर क्लास तो के तो वायरस होता है हमारा जो कंप्यूटर के अंदर अदर प्रोग्राम्स को या सॉफ्टवेयर को फुल वायरस की फॉर्म होती है तो यहां पर मतलब होता है क्या विटल विटल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन आर से हो गया आपका क्या रिसोर्स यू से अंडर और ऐसे क्या सीज ओके देखिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती, हैं आपकी होती है आपकी सूचनाएं होती हैं या जो रिसोर्सेस होते हैं आपके ठीक है उनको अंडर अपने अंदर क्या कर देता सीज कर देता बंद कर देता करप्ट कर देता तो वो कौन होता है आपका क्लास वायरस ओके वेटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज क्लियर है क्लास चलिए आगे चलते हैं ठीक है ओके बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी ग्रेट चलिए ओके मीना कमल जी ठीक है आंसर मिल चुका होगा आपका चलिए सो so, देखिए नेक्स्ट दे पॉइंट है क्लास क्या कि वायरस से कैसे बचा जा सकता है ओके अगर आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस नहीं है तब भी क्लास एक इनबिल्ट आपका सॉफ्टवेयर होता है एक प्रोग्राम होता है उसे क्या बोलते हैं हम फायरवॉल क्या बोलते हैं उसे फायरवॉल ठीक है जो बाहर से आने वाले अनवांटेड फाइल्स को या वायरसेस को रोकने का काम करता है कौन करता क्लास आपका फायरवॉल अगर आप इन निम्न तीन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके कंप्यूटर में किसी एंटीवायरस की जरूरत नहीं है और आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस नहीं आएगा ठीक है तो कौन-कौन से देखिए सबसे पहली क्या क्लास की रैंडम जो ऐसी टेडी मीडिया या अनऑथोराइज होती हैं, जो इलीगल वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है थीके? तो इनके रैंडम वेबसाइट जो ऑथराइज्ड, प्रॉपर

करना चाहिए ओके तो जितनी भी आपके कंप्यूटर में रैंडम एक्सरसाइज होती है सॉरी वेबसाइट्स होते हैं उनको कभी भी आपको एक्सेस नहीं करना चाहिए यानी कि रैंडम वेबसाइट अगर आप नहीं चलाएंगे ठीक है तो आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा ठीक है दूसरी चीज देखो आप खुद अच्छे से जानते हैं जैसे विंडोज है आपकी ठीक है अच्छा विंडोज है आपकी तो विंडोज अगर आप ओरिजिनल लेने जाते हैं आज के मार्केट में विंडोज 10 तो आपको साढ़े तीन से चार हजार रुपए के बीच में मिलती है ओके लेकिन आप उसको तीन सौ साढ़े तीन सौ में ले सकते हैं लेकिन वो कैसी होती है लोकल होती है कॉपी होती है पायरेटेड होती है okay? तो के कभी भी यूज नहीं करना चाहिए ओके कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना चाहिए ओके क्लास चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं ओके okay. मोस्टली जो आपके वायरस आते हैं वो आपके ईमेल के द्वारा आते हैं ठीक है अच्छा अगर आप ईमेल जब आपको मिलती है तो ठीक है अगर एक, unwanted, एक आपके पास आती है वायरस तो क्योंकि देखो मैंने आपको ई में पढ़ाया था क्या कि ईमेल के अंदर कभी भी डॉट ई फाइल क्या नहीं होती है अपलोड नहीं होती है अटैच नहीं होती है ठीक है क्या होती है डॉट ई फाइल तो इसको बोलते हैं क्या एक्जीक्यूटेबल फाइल ओके जैसे जैसे आपके एंड्रॉयड फोन में एपी के फाइल होती है एंड्रॉइड एप्लीकेशन फाइल ओके तो ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर में जो भी फाइल्स रन करते हैं कौन सी होती हैं आपकी ई फाइल फुल फॉर्म होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं कौन सी फाइल होती है मोस्टली ई फाइल ओके अच्छा वो ई फाइल कभी भी आपकी ई मेल में अटैच नहीं होती लेकिन कभी अगर आपको ई मेल में ई फाइल अटैच मिले तो समझ जाना क्लास क्या हो सकता है वो आपका वायरस हो सकता है ओके okay? चलिए तो यानी कि नंबर थर्ड क्या होगा क्लास आपका नंबर थर्ड अनऑथोराइज ठीक है अन ऑथोराइज या अनॉन मेल्स को ओपन नहीं करना चाहिए ओके okay? ओपन नहीं करना चाहिए क्लियर है क्लास यानी कि तीन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं इन तीन बातों का फॉलो करते हैं क्या कि कभी भी आप किसी रैंडम वेबसाइट को एक्सेस नहीं करेंगे आप कोई भी लोकल या कॉपी करे हुए या पायरेटेड सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में नहीं डालेंगे और कभी भी आप अनऑथराइज या अननोन ईमेल्स को ओपन नहीं करेंगे ओके क्लास चलिए आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को बिल्कुल बिल्कुल अननोन ईमेल्स को ओपन नहीं करना बिल्कुल चलिए पवन जोरवाल जी कह रहे हैं आईएसओ फाइल क्या होती है पवन जी आईएसओ फाइल जो होती है आपकी ये कंप्रेस फाइल होती है ठीक है कंप्रेस इसके अंदर क्या होता है बहुत सारी फाइलें एक साथ जोड़ी जाती हैं ठीक है ठीके? जो जो किसी सिस्टम को बूट कराने के काम आता है या किसी सिस्टम के अंदर कोई नया सॉफ्टवेयर डालने के काम आता है जैसे आप अपने फोन में डालते हैं विंडो ठीक है विंडो सेवन डालते हैं विंडो टेन डालते हैं तो जो उसका पैकेज आता है सॉफ्टवेयर जो आता है किस फॉर्म में आता है आई एसओ में आता है ठीक है बहुत सारे पैकेट एक साथ जुड़े होते हैं ओके तो क्लास कभी आप एमएस ऑफिस डालते हैं अपने कंप्यूटर में ठीक है आप एमएस ऑफिस डालते मानकर चलिए एमएस ऑफिस दो है सोलह डालना आपको ठीक है आप इसको परचेज करके लाएंगे ना तो फाइल आपकी आई एसओ में होगी ठीक है यानी कि एक साथ कई सारे चीजें उसमें जुड़ी होंगी तो वहां से आप उसको इंस्टॉल करते इकट्ठा ओके तो वो होती है आपकी आई एस ओ फाइल क्लियर है क्लास चलिए बिल्कुल 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 ग्रेट चलिए अब एक काम करते क्लास कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके वायरस में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं ओके चलिए वन बाय वन स्टार्ट करेंगे यहां तक क्लियर है सभी को जल्दी से कमेंट कर दीजिए फास्ट चलिए राहुल मीना सर कंप्यूटर में लूट क्या होती है लूट नहीं होगा क्लास बूट होगा ठीक है चलिए चलिए जी सर ओके स्टार्ट करते हैं तो देखिए वायरस के क्या करते क्लास कुछ टाइप्स की बात करते हैं तो लिखेंगे नंबर फर्स्ट ठीक है नंबर फर्स्ट की बात करते हैं बस आपको सुनते जाना मैंने पहले भी कहा था आपको क्लास क्या कि आपको सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में सुनना है ओके सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको सुनना है आज की क्लास के जो भी मेरे हैंड क्लास नोट्स है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा सिर्फ आपको सुनना है आज की क्लास में ओके चलिए जस्ट वेट मैं एक बार अपडेट ऑन कर दू जस्ट वेट ओके चलिए बात करते क्लास क्रीपर की ओके तो देखिए ओके ओके नहीं सर लूट है <laughs> चलिए देखिए बात करते दे क्लास किसकी क्रीपर की ठीक है देखो विश्व का प्रथम वायरस ठीक है विश्व का प्रथम वायरस था यानी कि क्या था क्लास आपका ठीक है वर्ल्ड वर्ल्ड दुनिया का फर्स्ट वायरस ठीक है दुनिया का कौन सा वायरस था क्लास ये पहला वायरस था फर्स्ट वायरस था ठीक है जो जो कब बना था क्लास नेट, जो आरपा नेट के समय ठीक है किसके द्वारा बनाया गया था क्लास, देखो, किसके द्वारा ये आरपा नेट के समय बनाया गया था और याद है आपको नेट कब बना था उन्नीस में ठीक है 1970 में मैंने पढ़ाया था आपको ठीक है तो किसके द्वारा बनाया गया था बॉब थॉमस के द्वारा ठीक है बॉब थॉमस द्वारा बनाया गया ओके बॉब थॉमस द्वारा बनाया गया क्लियर है क्लास ओके बिल्कुल 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 चलिए इसका काम क्या होता है क्लास देखिए ये जो है ना ये फाइल को क्या करता है फाइल को रेप्लीकेट करता है यानी कि रिपीट करता है ओके तो देखिए जब ये वायरस आप एक कंप्यूटर में आता है तो कंप्यूटर में आने के बाद में क्या करता है ये एक पर्टिकुलर फाइल को बहुत सारी फाइलों में क्या बन देता है कॉपी बना देता है ओके फाइल को रेप्लीकेट कर देता है कॉपी बना देता है अच्छा देखिए जब आप एक फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं ठीक है मान के चल इस फाइल पे क्लिक कर रहे हैं और इसके अंदर कौन सा वायरस है आपका क्रीपर तो ये क्रीपर वायरस क्या करेगा कम से कम इसकी हजार कॉपियां बना देगा ओके okay, हजार कॉपियां बनाते ही जैसे आप एक फाइल को खोलेंगे तो उसकी हजार कॉपियां भी अपने आप खुल जाएंगी और सिस्टम पर जब एक साथ हजार फाइलें खोली जाएंगी तो सिस्टम कैसा हो जाएगा क्लास आपका स्लो हो जाएगा ओके okay? सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका स्लो हो जाएगा तो फाइल को रेप्लीकेट करके सिस्टम को क्या करता है सिस्टम को स्लो कर देता है ठीक है स्लो करता है ओके क्लास चलिए तो ये हो गया आपका कौन सा क्रीपर ओके चलिए दूसरी चीज क्लास क्या कि रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन ने ने इसे रिमूव करने के लिए इसे क्या करने के लिए क्लास रिमूव करने के लिए रीपर ठीक है रीपर नाम का क्या बनाया था क्लास एंटीवायरस, ओके रीपर नाम का एंटी वायरस बनाया था किसने बनाया था रे टॉम्बलि ने ओके रे टॉम्लिंसन ने ओके okay. अनिता जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बिल्कुल राम राम एस एल मीना जी बिल्कुल ठीक है तो कौन सा वायरस बनाया था क्लास रीपर नाम का ओके okay? रीपर नाम का एक एंटीवायरस बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था के द्वारा बनाया गया था ओके okay? तो आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट एंटीवायरस कौन सा हो गया तो हो गया रीपर और फर्स्ट वायरस कौन सा हो गया तो कौन सा हुआ क्लास क्रीपर ओके चलिए नेक्स्ट चलते नंबर दो की और नंबर सेकेंड चलिए नंबर सेकेंड है आपका कौन सा क्लास ब्रेन ओके ये एक ऐसा वायरस है क्लास ब्रेन जो देखो दो व्यक्ति थे कौन कौन बसीत और अमजद फारूक अली ठीक है बसीत और एंड अमजद फारुख फारूक अलवी द्वारा बनाया गया था इस वायरस को क्लास ये जो दोनों भाई थे ना ये पाकिस्तान की थी ठीक है तो यानी कि बसीत और अमजद फारूक अली दोनों पाकिस्तान के भाई थे जिन्होंने इस ब्रेन वायरस को बनाया था और क्लास ये वायरस एक ऐसा वायरस था जो क्या करता था ये ना एम एस डॉस के स्टोरेज मीडिया देखिए स्टोरेज क्या होता है जैसे हमारा माइंड होता है जो भी चीज हम पढ़ते हैं समझते हैं कहां पे स्टोर करते हैं माइंड पे ओके माइंड के अंदर स्टोर करते दिमाग के अंदर स्टोर करते हैं अगर यहीं पर अटैक कर दिया जाए तो क्या हो गया हमारी डेथ हो जाएगी क्योंकि माइंड से हमारा सब कुछ ऑपरेट होता है तो ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर का स्टोरेज कहाँ पे होता है स्टोरेज मीडिया में एमएस डोस के स्टोरेज मीडिया तो क्लास ये क्या करता था एमएस डोस के स्टोरेज मीडिया को ही को ही क्या कर देता था ये करप्ट कर देता था ठीक है करप्ट कर देता था ठीक है तो क्लास इसका कभी भी कोई एंटीवायरस नहीं बना एंटीवायरस नहीं बना ठीक है इसका कभी भी कोई एंटीवायरस नहीं बना और क्या करता था ये जैसी पूरी स्टोरेज मीडिया को करप्ट करता था तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता था खराब हो जाता था और इस बात को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट भी किया गया था ठीक है वर्ल्ड वाइड इस बात को एक्सेप्ट भी किया गया था कि सबसे डेंजरस वायरस है ये कौन सा ब्रेन एक बार कंप्यूटर में आ गया तो कंप्यूटर की तो वाट लग जानी है ठीक है एकदम ऐसी तैसी कर दिया कंप्यूटर की ओके क्लास चलिए ओके ओके छगनलाल जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्लियर है तक चलिए नेक्स्ट चलते हैं नंबर थर्ड की ओर मालवेयर देखिए मालवेयर तरीके से वायरस नहीं है ये वायरस का एक मेन पॉइंट है ठीक है इसके अंदर कुछ वायरस आते हैं तो मालवेयर कैसे वायरस होते हैं तो देखिए लिखेंगे आप मालवेयर इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है देखो मालवेयर में अगर बात करते क्लास तो एक होता है एम ए एल माल और एक हो गया वेयर ठीक है चलिए तो यहां पे देखिए क्या बार हम कुछ माल लेकर आते हैं खराब हो जाता है, yes no. या आ जाता है तो मार यहां, मतलब यहां पर मतलब मेलिशियस का मतलब मेलिशियस ओके मैलिशियस मेलिशियस यानी कि बेकार और पहले भी बता रखा है मैंने आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर कि वेयर का मतलब क्या होता है तो वेयर का मतलब होता है प्रोग्राम तो मतलब ठीक है Where का मतलब क्या होता है क्लास प्रोग्राम होता है तो मेलवेर क्लास एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो जो आपकी परमिशन के बिना ठीक है जो आपकी permission के बिना, यानी हिंदी में नोट्स मिल जाएंगे आपको इसके ठीक है जो बिना हमारी परमिशन के हमारे कंप्यूटर में क्या कर देते हैं एंट्री कर लेते हैं ओके और इनियम क्लास खुद इनवाइट करते हैं बताऊंगा कैसे इनवाइट करते हैं ठीक है तो कुछ एग्जाम्पल आ जाएंगे इसके अंदर पढ़ेंगे अभी टॉर्जन वगैरह हम ठीक तो है तो देखिए क्लियर है मालवेन हो गया आपका एक ओके okay, आगे चलते हैं विदाउट परमिशन आ जाता है ओके okay, क्लियर है यहां तक चलिए मैं सिर्फ करने जा रहा हूं ताकि नेक्स्ट वायरस पढ़ सके हम नेक्स्ट नंबर फोर्थ लिखेंगे लिखना तो है ही नहीं आपको सिर्फ समझिए आप ठीक है आज की क्लास समझना है आपको ओके सोनू यादव जी गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश जी गुड मॉर्निंग राहुल मीना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है चलिए जल्दी से जल्दी जितने भी लाइव है प्लीज लाइक ठोक दीजिएगा ओके ठोको ताली चलिए क्वेश्चन सॉरी पॉइंट नंबर फोर ठीक तो है तो नंबर फोर्थ वायरस की बात करते हैं क्लास काफी बेकार होता है ये वायरस उसका नाम क्या है ट्रोजन हॉर्स ओके ट्रोजन हॉर्स चलिए ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस होता है जिसको हम खुद इनवाइट करते हैं ओके okay, देखिए ये वायरस क्या करता है क्लास मान के चलिए आप अपने कंप्यूटर में ठीक है आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक फाइल डाउनलोड करना चाह रहे हैं ओके तो मान के चलिए इस प्रकार से आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाह रहे हैं जिसके पीछे क्या लिखा हुआ ई एक्सी ठीक है जैसे कोई गेम ही डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप ठीक है मान के चलो कि एक पबजी गेम है तो आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं आपके वो कंप्यूटर में किस में होते हैं ई एक्सी में अच्छा एंड्रॉयड में कैसे होते हैं अगर एंड्रॉयड में डाउनलोड करोगे ना आप तो आपको लिखना पड़ेगा डॉट एपी के फाइल ठीक है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ठीक है ये आपके फोन में होती है मोबाइल में चलती है और ये आपके कंप्यूटर में चलती है ठीक है एग्जीक्यूटेबल फाइल चलिए क्लियर है इतना अब देखिए तो क्या होता है क्लास ट्रोजन हाउस में क्या होता है कि आप आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाह रहे हैं ओके ओके कभी कभी क्या होता है जब आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं इंटरनेट से कोई फाइल कॉपी करे अपने सिस्टम के अंदर बिल्कुल किसी के पीछे दो लगे हुए। सर, एक का मतलब तो एक फाइल के लिए हो गया लेकिन दूसरा ई क्या है तो सर यही होता है दूसरा ई क्या आपका वायरस जैसे मान के चलिए कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स घर पे नहीं है ठीक है हम क्या करते अपने फ्रेंड को कॉल करते आज पार्टी शार्टी करेंगे, ठीक है? अच्छा, फ्रेंड आपका शाम घर पे आ जाता है बिल्कुल तो आज तो सब कुछ एकदम होगी एकदम ड्रिंक श्रिंक है ना चलिए वैसे ड्रिंक करना सेहत के लिए हानिकारक होता है आपने तो देखा तंबाकू के एडे मुकेश को देखा होगा कैंसर फेफड़े गला देता है टार खाना बहुत बहुत बुरा बना देता है फेकों को चलिए तो यानी कि इस प्रकार से क्या होता है कि वो आप अपने फ्रेंड को या कोई बंदा अपने फ्रेंड को इन्वाइट करता है क्योंकि पेरेंट्स घर पर पे नहीं आज पार्टी शार्टी करेंगे ओके क्या होता है खाना वाना खाने बाद में फिर चलते उनकी क्या पार्टी और होता क्या कि वो फ्रेंड आपको इतना पिला देता है कि आपके होश गुम ठीक है आप लुढ़क गए जब मॉर्निंग में आपकी आँख खुलती है तो क्या देखते हैं आप कि ना तो आपका फ्रेंड वहाँ पर है ठीक है नहीं आपके घर के अंदर टीवी है ना तो मतलब तो ही फ्रिज है ठीक है और क्या करा होगा कि आपके सो जाने के बाद में रात को आपके घर का पिछला दरवाजा खोला होगा डोर ओपन करवाया होगा और वहां से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया होगा चलो भाई सामान उठा के ले चलते आराम से एक बंदा सेट है बिल्कुल यहाँ पर ठीक है चलिए ओके आज तो सर कुछ हटके <laughs> चलिए क्लियर है आता क्लास तो देखिए वैसे आ, काफ़ी दिन हो गया ऑफलाइन क्लास की जो बात अलग ही होती है है ना ये बात तो है तो एक इंट्रैक्शन काफ़ी अच्छा होता है स्टूडेंट्स के साथ में तो पढ़ाने का मज़ा भी एक अलग ही लेवल पे होता है ओके चलिए कोई बात नहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा डाउनलोड <laughs> करते हैं कंप्यूटर तो, है? तो मतलब अच्छा, है? में इंस्टॉल हो जाता है आने के बाद जैसे आपने डाला इंस्टॉल किया तो ये भी साथ साथ क्या हो जाता है आपका इंस्टॉल हो जाता है इंस्टॉल होने के बाद में ये क्या करता है क्लास आपके कंप्यूटर का बैकडोर पिछला दरवाजा ओपन कर देता है और पिछला दरवाजा यानी कि आपके कंप्यूटर की जो होती है फायर बॉल पढ़ाया था मैंने अभी सिक्योरिटी प्रदान करती है ठीक है फायर बॉल को तोड़ देता, ही। फायर क्या कर देता है तोड़ देता है बस और आपका बैकडोर होता है जो कंप्यूटर का वो खुल जाता है और बस फिर बहुत सारे टाइप के मालवेयर वायरस आपके कंप्यूटर में जाते आते जाते हैं आते जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता और इतने सारे वायरस आ जाते हैं आपके कंप्यूटर में कि पूरे के पूरे कंप्यूटर को करप्ट कर देते हैं खराब कर देते हैं ओके तो इसलिए ट्रोजन हॉर्स काफी ज्यादा बेकार वायरस माना जाता है ठीक है तो ट्रोजन हॉर्स को हम क्या बोल देते हैं और ट्रोजन हॉर्स को क्या बोलते क्लास ट्रोजन हॉर्स को हम एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बोलते हैं ठीक है डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ठीक है डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ये पूरी की पूरी कंप्यूटर को डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मतलब बर्बाद तबाह कर देना ठीक है तबाह हाँ कर देता है ओके हमें लगता है कि हम जेनवन फाइल डाउनलोड कर रहे हैं पर एक्चुअल में एक वायरस जुड़ा होता है ठीक है जैसे डाउनलोड होने के बाद आप क्रॉस चेक कीजिए इसमें दो एक्सटेंशन तो नहीं लगे ई एक्सी ई एक्सी अगर है तो कहीं डिलीट कर दीजिए अगर आपने इंस्टॉल कर दिया तो गए काम से क्लियर है चलिए ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट होता है क्लास आपका कौन सा नंबर फाइव लिखेंगे आप मतलब से समझेंगे पिशिंग वायरस ठीक है नंबर फिफ्थ है आपका वायरस 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 ओके चलिए क्या होता है क्लास तो देखिए एक ऐसा प्रोग्राम होता है ठीक है एक ऐसा प्रोग्राम होता है क्लास जो क्या करता है वो धोखाधड़ी करता है ठीक है अगर आपको मान के चलो फॉर्म भरना है आपको एसबीआई का फॉर्म भरना है ठीक है तो आपको साइड पे लिखा मिलेगा एसबीआई लेकिन क्या करते हैं इसके अंदर बिल्कुल उसकी हूबहू एक लोकल वेबसाइट बना देता है एस ठीक है और दिखने में ऐसा लगेगा बिल्कुल एस एसबीआई लिखा होगा आपका ठीक है तो यानी कि फेक वेबसाइट बना देते हैं क्या करते हैं

पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है ठीक है पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराता है तो कौन सा वायरस हो गया क्लास ये आपका फिशिंग यानी कि ये ऐसा लगेगा आपको कि आप एक ओरिजिनल वेबसाइट पे काम कर रहे पर एक्चुअल में कैसी होती है वो फेक वेबसाइट और आपकी सारी डिटेल्स को वो चुरा लेती है ओके क्लास चलिए क्लियर है यहां तक कोई डाउट किसी को जल्दी से कमेंट कर दीजिए और मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है आज आपको ठीक है ओके आज तो सर का माइंड अच्छा लग रहा है ओके <laughs> बिल्कुल okay, राहुल जी थोड़ा माइंड अच्छा है ना ओके चलिए नेक्स्ट करते क्लास नंबर सिक्स की और देखो एक्चुअल में क्या होता है मैं आपकी छोटी सी बात बता दूं दूँ जिस भी क्लास में अगर लिखवाने का काम होना तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती है ठीक है अगर आप किसी भी टॉपिक को कंटिन्यू समझते रहें तो ज़्यादा बेटर होता है उसमें क्या फैकल्टी भी फ्लो में रहता है ठीक है लिखवाने से क्योंकि कंप्यूटर क्लास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इंग्लिश में ही पढ़ा जाता है ठीक है क्लियर है लेकिन अब फिर भी हिंदी थ्योरी लिखवानी पड़ती थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है बट कोई नहीं आपके लिए हर चीज गवारा है। ओके चलिए सरोज जी दीपक जी राहुल जी गुड चलिए नेक्स्ट चलते नंबर सिक्स रैनसम वेयर वायरस ओके okay? नंबर सिक्स कौन सा क्लास आपका रैनसम वेयर ठीक है देखिए रैनसम वेयर वायरस क्लास वो वायरस होते हैं जो क्या करते हैं देखो रैंसम का मतलब ही क्या होता है रैंसम का मतलब होता है फिरौती ठीक है जैसे वो मूवी थी ना फिर हेरा फेरी में बाबूराव है ना क्या करता है वो किडनैपिंग करते हैं ठीक है ठीके? और क्या करते हैं वो फिरौती मांगते हैं ठीक है ठीके? और वेयर का मतलब पता है आपको प्रोग्राम तो रैंसमवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में आने के बाद में आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है आपके कंप्यूटर के एक्सेस पर चलाने पर रोक लगा देता है या फाइल को ब्लॉक कर देता है करप्ट कर देता है 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 ठीक अच्छा लॉक करने के बाद में क्या होता क्लास ये आपसे बोलता है कि अब अगर आपको अपने कंप्यूटर चलाना है आपको अपनी फाइल एक्सेस करनी है तो आपको मेरे फलाने अकाउंट के अंदर इतना अमाउंट क्या होगा ट्रांसफर करना पड़ेगा ठीक है और जो अकाउंट होता है उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं ट्रैक कर सकते आप ठीक सारे काम इलीगल होते हैं यहाँ पर और जो अमाउंट भी ट्रांसफर करते हैं ना वो आप बिटकॉइंस में होते हैं बिटकॉइन वर्चुअल मनी होती है जो इंडिया में बैन है ठीक है चलिए जब रैंसम मार्केट में आया था ना तो उसके बाद में वर्चुअल मनी कौन सी बिटकॉइन इसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई थी ठीक है तो जिसके बाद बिटकॉइन ने परचेज किया जो अरब अरबोपति करोड़पति बने हुए हैं ठीक है चलिए तो रैनसम वेयर वायरस जो होता है आपका क्या करता है ये आपके कंप्यूटर के एक्सेस पर क्या लगा देता है ठीक है कंप्यूटर एक्सेस पर रोक लगा कर फिरौती की मांग करता है ठीक है फिरौती की मांग करता है ओके क्लास क्या करता है ये फिरौती की मांग करता है क्लियर है यहां तक चलिए ओके गुड मॉर्निंग सीमा जी गुड मॉर्निंग ओके ओम प्रकाश हिंदी वर्ड्स में तो आंसर का ही पता नहीं चलता एग्जाम में बिल्कुल ओम प्रकाश जी और आपको जब एग्जाम में आंसर दोगे आप तो आपको हिंदी के साथ इंग्लिश को जरूर कंसीडर करना है ओके चलिए तो आई होप रैंसम वेयर आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्या होता है रैनसम वेयर वायरस आपका जो फिरौती मांगता है क्लियर क्लास चलिए नंबर सेवन पर चलते नंबर सेवन चलते क्लास एडवेयर देखिए ये एडवेयर क्या होता है ठीक है एडवेयर क्या होता है तो देखिए एडवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है आपको नाम से पता लगा एड यानी कि एडवर्टाइजमेंट वेयर यानी प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है क्लास जो क्या करता है किसी भी एडवर्टाइजमेंट के छोटे छोटे टुकड़े जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपके पेज के सामने शो होते हैं ठीक है थीके? कभी कभी होता है ना हम कभी इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो कई बार हमने इलीगल पेजेस को या बेकार पेजेस को लाइक कर रखा होता, होता है बुक मार्क कर रखा होता है ठीक है तो सडनली से इंटरनेट चलाते चलाते बीच में कुछ अजीब अगरी भद्दी से एड आ जाती है ठीक है तो उन एड्स को कौन शो करता है आपका एडवेयर ठीक है एक प्रोग्राम होता है उसको वायरस ट्रीट करते हैं हम तो क्या करता है आपके इंटरनेट चलाते समय आपके फोन में बीच बीच में जो एड्स आती हैं हैं आपकी, आपकी वो कौन सी होती सहायता है एडवरटाइजमेंट एडवरटाइजमेंट ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते क्लास नंबर एट की और बूट सेक्टर ठीक है नेक्स्ट कौन सा क्लास बूट सेक्टर चलिए बूट सेक्टर ओके okay. चलिए बूट सेक्टर देखिए क्लास बूट का मतलब पता है आपको कंप्यूटर स्टार्ट होना क्या कहलाता है आपका बूट अप बूट होना ठीक है तो यानी कि क्या होता है क्लास ये कंप्यूटर में जो आपकी हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में क्या होती है आपकी हार्ड डिस्क होती है फ्लॉपी डिस्क होती है जहां पे बूट सेक्टर होता है जहां से आप कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया शुरू होती है ठीक है तो ये क्या करता है उस बूट सेक्टर को जाके क्या कर देता है करप्ट ठीक है तो जैसी कंप्यूटर आपका स्टार्ट होगा ठीक है कंप्यूटर कंप्यूटर स्टार्ट होते ही फैल जाता है ठीक है जैसी कंप्यूटर आपका स्टार्ट होगा

या फिर डॉट पीपीटी ठीक है इस प्रकार की जो एक्सटेंशन फाइल नेम लिखे होंगे या फाइल एक्सटेंशन नेम लिखे होंगे ठीक है तो उनको क्या कर देता क्लास ये करप्ट कर देता तो सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं हम क्लास की जो आपकी एमएस ऑफिस होता है एमएस ऑफिस ठीक है एमएस ऑफिस वाली फाइल्स को क्या कर देता है ये करप्ट कर देता है खराब कर देता है कभी कभी आप फाइल को ओपन करिएगा एमएस ऑफिस की फाइल को उसमें अजीब गरीब सिंबल से बने आ जाएंगे यानी कि उसमें वायरस की वजह से फाइल क्या हो चुकी है आपकी करप्ट हो चुकी है ओके चलिए क्लियर है बिल्कुल बिल्कुल ओम प्रकाश जी एच डी डीवीडी सी डी करप्ट बिल्कुल ठीक है तो करप्ट कर देता है बोर्ड सेक्टर ओके क्लियर है यहां तक चलिए आगे चलते हैं तो यानी कि उन्हीं प्रोग्राम उन्हीं एप्लीकेशन को करेक्ट करता है जिनके पीछे पीछे ये एक्सटेंशन नेम लिखा होता है या फिर सीधे बोल लो आप क्या एमएस ऑफिस की फाइल को क्या कर देता है करेक्ट कर देता है इस मैक्रो शब्द को हम कब पढ़ेंगे जब आपको मैं एमएस ऑफिस पढ़ाऊंगा ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं नंबर टेन की और नंबर टेन ओके नंबर टेन है क्लास आपका स्पूफिंग नंबर टेन है आपका कौन सा स्पूफिंग ओके okay? तो देखिए क्या होता है स्पूफिंग आपका क्लास तो इसमें क्या करा जाता है जो आपकी अन डेटा होता है ठीक हो, ठीक है उसको है ना ऑथोराइज तरीके से उपयोग करता की जानकारी के बिना ठीक है यानी कि आपके डेटा को आपकी जानकारी के बिना क्या करते हैं एक्सेस कर सकते हैं ठीक है कई बार क्या होता है क्लास देखिए मैं बताता सिंपल सी भाषा में आपको अच्छा अगर आपके फोन पर आपके फोन पर एक कॉल आ रहा है ठीक है और उस पर नाम लिखा हुआ है क्या इस प्रकार से मान के चलो राहुल ठीक है तो आप समझ जाएंगे भाई ये तो आपके कॉन्टेक्ट में एड है तभी तो राहुल नाम लिखा रहा है ट्रू कॉलर को, को नहीं देखना है कि सिंपल आपके कॉन्ट्रेक्ट में राहुल नाम का जब नाम ऐड है तभी तो आपको शो कर रहा है तो यानी कि ट्रस्टेड कॉल है आपके लिए जानते हैं आप इस व्यक्ति को तो आप इसको आसानी से पिक कर लेंगे ठीक है चलिए खासकर गर्ल्स के साथ ऐसा होता है अगर उनको कॉल किया जाता है अगर उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नाम ऐड है तो वो पिक कर लेती है मैक्सिमम सभी नहीं लेकिन जब कभी भी कॉल आता है वो नाम ऐड नहीं होता वो अननॉन कॉल होती है कैसी कॉल होती है एक अननॉन तो क्या करते जल्दी से वो पिक नहीं करते हैं येसो नो बचने के लिए बहुत बेसिक सी बात है कौन व्यक्ति कैसे इंटेंशन से कॉल कर रहा है हमें क्या पता तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है अगर यही अननोन व्यक्ति अननोन पर्सन एक वायरस के जरिए ठीक है अपने नंबर का नाम आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट से चुरा कर राहुल कर ले और फिर आपको कॉल करे तो आप डेफिनेटली पिक करेंगे तो आपको लगेगा कि सही तो उसी राहुल का कॉल है मेरे मेरे है, है मेरे भैया या कोई जो राहुल यही काम कौन करता, आपका? यह क्या करता है किसी भी तरीके से आपकी पर्सनल ई मेल या आपके वेबसाइट या आपके आईपी एड्रेस को चुरा लेता है ठीक है आपके आईपी एड्रेस चुरा लेता है मान के चलिए आपके फोन पे कभी कभी मैसेज uh, आता लिखा होता है एस एसओ ठीक है जीओवी तो आपको क्या लगता है क्या एस एसओ आई डी से कोई प्रॉपर कोई मैसेज आया है कुछ आपने अप्लाई किया होगा उसके रिगार्डिंग तो आपको लगता है कि ट्रस्टेड मेल है पर कभी कभी ये नाम लेकर वो कुछ और इलिगल काम कर दे तो आपको लगेगा तो ट्रस्टेड मेल आप ओपन कर लेंगे जैसे आप ओपन करेंगे उसी में छुपा होता है आपका क्या वायरस और वो वायरस आपका क्या हो जाता है क्लास एक्टिवेट हो जाता है तो यानी कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि उसकी ई मेल चुराकर या उसके वेबसाइट का नाम चुरा आपको ऐसा दर्शाएगा कि ये वो व्यक्ति उसको आप जानते हैं और आप उसकी ईमेल को ओपन कर लेंगे उसकी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और वो वायरस आपके कंप्यूटर में आसानी से आ जाएगा ओके okay? तो यानी कि क्या करता है क्लास ये ये क्या करता है अनऑथोराइज तरीके जानकारी चुराता है ठीक है अन ऑथो अनऑथोराइज तरीके से क्या करता है ये जानकारी चुराता है चलो बाकी नोट्स मिल जाएंगे आपको डोंट वरी चुराता है क्लियर है आज तक चलिए गुड आगे चलते हैं एड्रेस वाला पार्ट में हीरा फेरी हाँ बिल्कुल मैंने बोला ना आईपी चुरा लेता आईपी आईपी एड्रेस ठीक है तो अगर आ... एक ऐसा आई पी एड्रेस चुरा चुरा लेता है वो जिसके ऊपर आप ऑलरेडी कनेक्टेड है जानते हैं आप उस व्यक्ति को इसके बंदे का आई पी एड्रेस ये तो आप उसको एक्सेस कर लेंगे ठीक है लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो चुराई हुई होती है आप उस नाम को जिसको आप जानते हैं तो बस इसी के द्वारा वो क्राइम कर दिया जाता है ठीक है तो एक चीज़ और याद रखिएगा जब भी कोई इंटरनेट पर कोई भी क्राइम होता है ठीक है तो साइबर क्राइम के अंडर आता है वो ठीक है किसके अंदर साइबर क्राइम के अंडर आता है इसके लिए अलग से साइबर सेल बना हुआ है जहाँ पर इस प्रकार की कंप्लेंट्स को क्या किया जाता है देखा जाता है लुक आफ्टर किया जाता है ओके चलिए क्लास ओके ये तीन टाइप के स्पूफिंग मेल स्पूफिंग हाँ हाँ बिल्कुल मैंने बताया ना कॉल से हो जाए मैसेज से हो जाए ईमेल से हो जाए ओम प्रकाश जी वही तो होती है स्पूफिंग ठीक है चलिए क्लियर है आप तक तो सीधी सी बात कर था क्लास की वो अप, जो व्यक्ति ये काम करना चाहता है कर रहा होता है वो क्या करता है वो कैसे भी करके है ना अपनी रियल आईडी को हैक कर ले वो हाइड कर देता है और आपके कॉन्टेक्ट में से किसी बंदे की आई डी चुरा कर और उस नाम से आपको शो होता है क्लियर है यहां तक चलिए ओके गुड चलिए नेक्स्ट चलते हैं कितने हो गए हमारे दस चलिए नेक्स्ट नंबर इलेवन ठीक है नंबर इलेवन लिखेंगे ठीक है नंबर कौन सा होता है क्लास आपका spy spy में spy का मतलब ही पता लग रहा है आपको क्या spy मतलब किसी पे जासूसी करना ठीक है अच्छा किसी पे क्या करना जासूसी करना चलो मान के चलिए मान के चलिए कि आ, कभी कभी अगर हमें हमारे पार्टनर पे शक हो जाता है डाउट हो जाता है ठीक है अच्छा तो हम क्या करते हैं उसके पीछे जासूस लगा देते हैं क्या कर लेते हैं उसके पीछे जासूस लगा देते हैं अच्छा जासूस लगाने के बाद में क्या होता है क्लास वो सिर्फ आपके पार्टनर की जो एक्टिविटी का है, है? नजर रखता, रखता क्या -क्या है कहा जा रहा है किस, किस से मिल रहा है बस इतना पता लगना चाहिए आप किससे मिला तो फिर तो क्या हो जाएगा करते आते के साथ ही धुआं धुआं है ना चलिए तो यानी कि स्पाईवियर क्या करता है पर निगरानी रखता है ठीक है लेकिन क्या आप अपने जासूस को यह बोलते हैं कि जिससे मिलता हुआ बोलते ना बिल्कुल तो यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ उस पर मॉनिटरिंग रखते हैं निगरानी रखते हैं उसको कोई भी हार्म या नुकसान नहीं पहुंचाते तो स्पाइवेयर वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो क्या करता है क्लास वो आपकी एक्टिविटीज पर आप जो भी इंटरनेट पर काम कर रहे होते हैं आपकी एक्टिविटीज पर क्या करता है वो नजर रखता है लेकिन आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता ठीक है क्लियर है था था क्लास चलिए ओके तो का मतलब क्या होगा सिर्फ और सिर्फ क्या करता है ये आपकी निगरानी रखता है निगरानी रखता है ओके क्लास चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी पॉइंट नंबर ट्वेल्व की और नेक्स्ट वायरस कौन सा है आपका तो वो है आपका क्लास कौन सा स्निफिंग कौन सा है आपका स्नीफिंग चलिए स्नीफिंग ओके चलिए बात करते क्लास स्नीफिंग वायरस की तो स्निफिंग होता है तो देखिए बेसिक सी चीज बताता हूं मैं आपको क्या जैसे मोबाइल्स की सेल आती है ठीक है अमेजोन पर फ्लिपकार्ट जैसे रेडमी नोट सेवन प्रो है नोट नाइन प्रो जो लेटेस्ट नाइन प्रो चल रहा है सेल आती है ठीक है तो आपने नोटिस किया होगा जब सेल आती है तो वहां पर कभी कभी क्या होता है जैसे बारह बस्ते क्या हो जाता है आपकी वो साइड हैंग हो जाती है प्रॉपर तरीके से आप उसको बुक uh, नहीं कर पाते अपने मोबाइल फोन को और आपका फोन क्या हो जाता है आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो यानी कि क्या होता है क्लास समटाइम्स ऐसा होता है ये कंपटीशन मार्केट में होता है आप अच्छे जानते क्या कि जो फ्लिपकार्ट है आपका फ्लिपकार्ट और ठीक है अमेजोन दोनों में एक तरीके का कॉम्पिटिशन रहता है ठीक है चलिए इसे समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है पर होता भी है देखो ऐसा कहीं कहीं तो देखिए बात करते हैं फ्लिपकार्ट तो फ्लिप को क्या करना होता है जब कभी सेल आ रही है या फिर चाहता है कि अमेजोन को नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और मोस्टली लोग इसको परचेज करने वाले हैं ठीक है हम हमसे नहीं खरीदेंगे ओके तो फ्लिपकार्ट क्या करता है यहाँ पर कुछ वायरस छोड़ देता है वो क्या करता है इस पर इस पर दो लोगों की सहायता से रॉबोर्ट प्लस नेटवर्क यानी कि बहुत सारे रॉबोट की सहायता से रॉबोट फिजिकल नहीं होते सॉफ्टवेयर से बनाए जाते हैं इस वायरस से बनाए जाते हैं बहुत सारे रॉबोर्ट को क्रिएट कर देता है और वो रॉबर्ट क्या करते हैं क्लास इस अमेजोन पर आकर एक साथ कई सारी पेज खोल लेंगे अब मांग चलो लाखों पेज खुल गए या करोड़ों पेज खोल दिए इस वायरस ने तो अमेजोन क्या हो जाएगा हैंग हो जाएगा अमेजोन क्या हो जाएगा हैंग हो जाएगा लोग सोचेंगे ये तो हैंग हो रहा है इस परचेज नहीं कर पा रहे चल छोड़ यार ठीक है फ्लिपकार्ट से परचेज कर लेते हैं क्लियर है यहाँ तक डन जैसे रेडमी नोट नाइन प्रो की सेल आती है वो आपके एमेजोन पर भी आती है और एम आई स्टोर पर भी आती है अगर एम आई स्टोर को हैंग कर दिया गया तो लोग क्या कहाँ से परचेस करेंगे अमेजोन से क्लियर है तो कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर होता है इसका क्या हो क्लास ठीक है नेटवर्क नेटवर्क ट्रैफिक ट्रैफिक जैम को बढ़ाना ठीक है नेटवर्क पर ट्रैफिक जैम बढ़ा देता है ठीक है ताकि इससे वेबसाइट क्या हो जाए आपकी हैंग हो जाए क्लियर है यहाँ तक चलिए ये होता है आपका कौन सा स्नीफिंग वायरस ओके क्लास चलिए ओके गुड मॉर्निंग हेमा जी गुड मॉर्निंग काफ़ी लेट आए हैं आप चलिए आगे चलते हैं ओके स्नीफिंग वायरस ठीक है और जैसे ये एग्जाम्पल की बात करूँ ना अगर इसकी मैं तो एक होता है डी डॉस अटैक डी डॉस अटैक ठीक है डीडोस अटैक ऐसा होता है कि ट्विटर 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 पे हुआ था पूरा पूरा का पूरा आपका हैंग कर देगा तो देखो कितनी बड़ी वेबसाइट है है, आपकी ठीक डिस्ट्रीब्यूटेड डेनाइल ऑफ सर्विस चलिए नेक्स्ट चलते क्लास नंबर थर्टीन तेरह की और नंबर तेरह कौन सा होता क्लास आपका ये होता आपका साइबर साइबर स्टॉकिंग ठीक है साइबर स्टॉकिंग देखिए साइबर मतलब हो गया आपका वही ऑनलाइन जो आप इंटरनेट पे काम करते हैं ठीक है स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है क्लास क्या बार गर्ल्स बोल देती hey, वाला ठीक है तो पीछे लगने लोग क्या करते हैं पहले हमारा फॉलो करते हैं पीछा करते हैं ठीक है थीके? और पीछा करने के बाद में अगर हम कहीं गए किसी दोस्त से मिले किसी से पार्क में मिल लिए तो बस फिर बोलेगा आपसे आगे क्या बेटा मिला था ना चल आप घर पहुंच तू तेरे पापा को बताऊंगा तो क्या करते हैं वो परेशान करते हैं आपको धमकियां देते हैं तो बस साइबर स्टॉकिंग क्या करता है ये आपके ऊपर नजर रखता है और नजर रखने के बाद में क्या करता है आपको धमकी देता है ठीक है तो क्या करता है आपको ये धमकी देता है ठीक है तो निगरानी करता है निगरानी करते हुए धमकी देना या क्या करना परेशान करना ठीक है परेशान करना क्लियर है जैसे आपका सिर्फ निगरानी रखता था आपका लेकिन साइबर uh, स्टॉकिंग क्या करता है आपका पीछा करता है फॉलो करता है निगरानी रखता है और क्या करता है आपको परेशान करता है और धमकी देता है फोर्टीन okay, की ओर नंबर चौदह नंबर फोर्टीन ठीक है तो नेक्स्ट आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस पॉली मॉर्फिक वायरस के पॉली मॉर्फिक वायरस तो देखिए क्या होता है क्लास है पॉली वायरस देखिए ये वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर होता है ठीक है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है अच्छा जब इसको हम ट्रैक करते हैं पकड़ने की कोशिश करते हैं एंटी वायरस के थ्रू इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही इसके पास हम जाते हैं अपने आप को क्या करता रहता है इनकोड करता रहता है इनकोड यानी कि पासवर्ड में बदलता रहता है मैंने आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ठीक है तो अपने आप को इंक्रिप्शन कर लेता है कोडिंग बदल लेता है हम इसको पकड़ नहीं पाते पहचान नहीं पाते ये अपना रूप बदल लेता है अपनी लोकेशन बदल लेता है ठीक है अगर आप सी ड्राइव में ये वायरस है किसी फाइल के अंदर आप इसको वहां पकड़ने पहुंचते हैं तब तक सी सी उठ के डी में पहुंच जाता है ये डी ड्राइव के अंदर डी में पहुंचता से फिर C, e में पहुंच जाता है फिर ई e में पहुंचता e से वापस C में पहुंच जाता है तो यानी कि क्लास ही क्या करता है आपका वायरस अपनी अपनी क्या करता है क्लास लोकेशन ठीक है लोकेशन क्या करता है आपकी ये चेंज करता रहता है लोकेशन चेंज करता रहता है करता रहता है इसलिए इसे पकड़ना क्या हो जाता है मुश्किल हो जाता है ओके तो पॉलीमॉर्फिक वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो अपनी लोकेशन को क्या करता रहता है चेंज करता रहता है बिल्कुल कोड को चेंज कर देता है बिल्कुल ओम प्रकाश जी वही बात बता रहा हूँ मैं आपको देखो डी डिटेल में नहीं जाएंगे आपसे बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ आपको मैं इसीलिए ठीक है तो इंक्रिप्शन कर देता है कोडिंग बदल देता है उसमें तो पकड़ नहीं पाते आप उसको ओके चलिए ओके क्लास जितने भी लाइव है सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ओके 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 चलिए चलिए कुछ होते हैं इन लोग ऐसे जिनको एफर्ट्स पसंद नहीं आते है ना फैकल्टी कितना भी एफर्ट्स कर ले पर पसंद नहीं आते चलिए ओके सर अब कितना टॉपिक और हैं अमित जी साइबर सॉरी इंटर सिक्योरिटी के बाद में आपके दो टॉपिक और बचे सिर्फ ठीक है दो टॉपिक बचे हैं एक एमएस ऑफिस और एक आपकी कंप्यूटर हिस्ट्री ठीक है के बाद आप कंप्यूटर फिनिश और एक क्लास लेकर मैं आपको थोड़ा सा लैंग्वेज भी करा दूंगा जो होते हैं, आपका ठीक है सारी लैंग्वेजेस जो होंगी वो आपको मैं पढ़ा दूंगा ओके okay? चलिए बिल्कुल 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 कोड को चेंज कर डेथ है अच्छा ओके <laughs> okay, मीना कमल जी चलिए नेक्स्ट चलते क्लास नंबर फिफ्टीन की और नंबर फिफ्टीन टाइम बॉम्ब ओके नंबर फिफ्टीन कौन सा क्लास है आपका टाइम बॉम्ब तो देखिए टाइम बॉम एक ऐसा वायरस हो जा होता है जो क्लास जो पर्टिकुलर टाइम पर ही क्या होता है सक्रिय हो जाता है ठीक है आपने कंप्यूटर में टाइम डाल दिया कि रात को 11 बजे से लेकर साढ़े ग्यारह बजे के बीच में मैं बोलता हूँ ग्यारह बजकर अठारह मिनट पर ये कंप्यूटर में वायरस क्या सक्रिय हो जाएगा अगर उस टाइम पे कंप्यूटर चालू हुआ आपका तो उस टाइम पर यह वायरस क्या हो जाएगा सक्रिय हो जाएगा वरना तब तक ये आप कंप्यूटर में पड़ा रहे हैं किसी कोने के अंदर जैसे ग्यारह बजकर अट्ठारह मिनट हुए और आपका कंप्यूटर ऑन है तो ये वायरस क्या हो जाएगा आपका सक्रिय हो जाएगा तो यानी यहाँ पे टाइम डाल दिया जाता है क्लास ठीक है तो यहाँ पे टाइम के ऊपर सक्रिय होता है ये ओके चलिए नाम से पता कर टाइम नेक्स्ट चलते हैं सिक्सटीन की ओर चलिए नेक्स्ट क्लास आप है कौन सा सिक्सटीन लॉजिक बॉम्ब ठीक है लॉजिक बॉम्ब देखिए लॉजिक बॉम्ब कौन से वायरस होते क्लास जहां पे पर्टिकुलर एक क्या डाल दी जाती है ठीक है कंडीशन लगा दी जाती है कंडीशन लगा दी जाती है ओके okay. चलिए क्या होता है इसमें कंडीशन लगा दी जाए कुछ भी जैसे मैंने कंडीशन लगा दी क्या कि जब भी आप अपने माउस का राइट क्लिक तीन बार क्लिक करो एक साथ तो वो वायरस क्या हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा या मैं बोल दूं कि आप अपने कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू में जाकर दो बार क्लिक करेंगे लेफ्ट तो क्या हो जाएगा वो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन लगाकर उस वायरस को क्या करते हैं हम सक्रिय बना देते हैं ओके क्लियर है यहाँ तक चलिए नेक्स्ट होता है क्लास आपका कौन सा सत्रह जॉम्बी ठीक है अच्छा जोम्बी वायरस कैसा होता है क्लास देखो जॉम्बी वायरस एक ऐसा वायरस होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक लोकेशन पर बैठकर किसी दूसरे व्यक्ति का डेटा क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं और इस बात को क्या बोलते हैं मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है क्या रिमोट लॉगिन ठीक है रिमोट लॉगिन ओके क्लास तो यानी कि रिमोट लॉगिन बताया था मैंने आपको कि एक लोकेशन पर बैठकर किसी और के डेटा को एक्सेस करना यूज करना चलाना क्या कहलाता है आपका रिमोट लॉगिन तो किस में आता है आपका जोम्बी में जोम्बी वायरस करता है इस काम को ठीक है है यहां तक क्लास डन चलिए यहां तक किसी कोई डाउट जल्दी से कमेंट कर दीजिए फास्ट <laughs> राहुल जी बहुत सारे हैं ये वायरस के टाइप जो बहुत सारे हैं लेकिन जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने चलो आपको 17 बता दिए बहुत है आपके लिए ठीक है अच्छा कुछ छोटी सी बात और बता देता हूं आपको मैं क्या कि आ, कुछ वर्ड्स में लिख रहा हूं यहां पर ध्यान से देखेंगे आप ठीक है, देखो एक होता क्लास आपका हैकर चलिए एक होता है आपका क्या एथिकल हैकर और एक होता है क्या आपका क्रैकर क्रैकर ठीक है देखिए इनमें फर्क क्या होता है देखिए क्लास हैकर क्या होते हैं हैकर वो लोग होते हैं जो जानबूझकर इलीगल तरीके से किसी भी तरीके से आपके डेटा को हैक कर लेते हैं उसको एक्सेस करना चाहते हैं आपके डेटा को यूज करना चाहते हैं ठीक है तो यानी कि सीधी सी बात क्या कह सकते हैं क्लास तो इलीगल ठीक है इलीगल तरीके से तरीके से एक्सेस करना ठीक है एक्सेस करना चलिए घुसपैठ करना सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि नेटवर्क पर कंप्यूटर में क्या करना घुसपैठ करना क्या कहलाता है क्लास आपका हैकिंग और उनको करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है आपका हैकर लेकिन एथिकल हैकर कौन होते हैं देखिए एथिकल हैकर वो लोग होते हैं जो लीगली हायर किए जाते हैं कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं क्यों जैसे मैंने बताया था ना अभी आप थोड़ी देर पहले स्नीफिंग के अंदर जैसे फ्लिपकार्ट ने मान के चलो अमेजोन पे या फिर अमेजोन पे ऐसा वायरस भेज दिया इससे उसका क्या होगा पूरा पूरा, पूरा नेटवर्क जाम हो जाएगा ठीक है तो उससे बचने के लिए हर कंपनी अपने बचाव के लिए कुछ ऐसे लोग बैठाती है कि अगर हमारे ऊपर वायरस का अटैक हुआ तो आप हमें उनसे बचा लोगे तो ये क्या हो गया लीगल कैसा तरीका होता है क्लास ये ये लीगल होता है ठीक है ये लीगल ही होता है क्लियर क्लास है यहाँ तक क्लियर है है तक लीगल होता ओके ओके जो जो हैक हैक करते करते हैं है करते हैं हैं बिल्कुल अंजू जी वायरस बहुत सारे अगर मैं ले तो से से तो चलिए लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको क्लियर है सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्लास और बात करते क्या क्रैकर की तो क्रैकर क्या होता है आपका क्या होता है क्रैकर आपका तो क्रैकर आपका क्लास एक ऐसा व्यक्ति होता है देखो जो घुसपैठ जानबूझ कर नहीं करता ठीक है जैसे कॉमन से पता है एक व्यक्ति चोरी करने जाता है रात को ठीक है तो वो

कर ली तो यानी क्रैकर वो व्यक्ति होते हैं जो इंटेंशनली क्या करते घुसपैठ नहीं करते हैं। बस अगर उनको कहीं से भी एक्सेस मिल गया ठीक है उनको जैसे कहीं से भी एक्सेस यानी घुसने का रास्ता मिल गया एक्सेस मिल गया हमारी गलती से लगा लो चाहे ठीक है तो बस फिर वो घुसकर घुसपैठ कर लेते हैं और हमारे डेटा को यूज कर लेते हैं हैक कर लेते हैं ओके तो यानी कि फिर वो क्राइम कर सकते हैं तो यानी कि यहाँ पर जानबूझकर घुसपैठ किया जाता है ठीक है उसको हैकर बोलते हैं अच्छा उनसे बचने के लिए जो यही सेम काम करते हैं वो लीगल तरीके से वो एथिकल हैकर होते हैं आपके अच्छा है, जिन लोगों को अपने आप एक्सेस मिल जाता है ठीक है अपने आप उनको घुसपैठ करने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने आप कहीं से उनको कोई लूप होल मिले रास्ता मिले घुसने का तो फिर वो घुस जाते तो वो कौन होते हैं आपके क्रैकर होते हैं ओके तो ये था आपका इंटरनेट सिक्योरिटी का चैप्टर अच्छा छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं आपको कई बार आपसे पूछा निम्न में से कौन सा एंटी वायरस है एंटी वायरस ठीक है तो कुछ एंटीवायरस के नाम लिख लीजिए क्लास चलिए देखिए जैसे हो गया आपका एवीजी अवस्थ ठीक है अवीरा चलिए मैक कैफे नेक्स्ट बिट डिफेंडर चलिए के सेवन न ओके पांडा ओके कैस्पर स्काई ओके, एंड इसके बाद में और 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 एक क्विक हील ठीक है क्विक हील तो इस प्रकार से क्लास काफी सारे आपके एंटीवायरस होते हैं जो वायरस से बचने के लिए बनाए गए होते हैं ओके okay. चलिए बिल्कुल के विकास जी ओके तो क्लास जल्दी से कमेंट कर दीजिए कैसे रही आज की क्लास तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है और इसकी जो थियोटिकल नोट्स हैं क्लास नोट्स वो आपको मैं अपने ग्रुप पर क्लास के बाद में अपलोड कर दूंगा आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है और उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा ठीक है क्लास चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए कोई डाउट नहीं तक किसी को फास्ट जल्दी से कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए फास्ट चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और आज जैसे बताया हफ्ते की लास्ट क्लास है तो रीजनिंग के अंदर भी एक, एक अच्छा टॉपिक उठाने वाले हैं हम इनक्वालिटी ठीक है तो सभी के सभी बने रहिएगा ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास लास्ट टाइम आपके राजस्थान पुलिस में तीन क्वेश्चन आए थे उससे वैसे एग्जाम ये आ, बैंकिंग में आता है क्लियर है लेकिन लास्ट टाइम आपके ये राजस्थान पुलिस में भी आया था स्टेट एग्जाम में आने लग गया है ओके चलिए ओके 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 थैंक यू थैंक्स थैंक्स टू ऑल ऑफ यू चलिए ओके विकास जी दीपक जी सरोज पवन अमित अंजू थैंक्स थैंक्स टू ऑल ऑफ यू चलिए बाय